हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से बनने वाले 85 एमसीक्यू क्वेश्चन की। दोस्तों मेरा नाम है धीरेन और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों पारिस्थितिकी, चाहे आप रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, बायोलॉजी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, और यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं इकोलॉजी से बनने वाले टॉप 85 एमसीक्यू क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिटर को। किसको जाता है दोस्तों? रिटर को। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। स्वय पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। स्वय पारिस्थितिकी का अभिप्राय है, तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन। व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया यानी कि इकोसिस्टम। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो ये किया था ए जी टेंसले ने। किसने? ए जी टेंसले ने। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। पारितंत्र की सही परिभाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं, ये है पारितंत्र की सही परिभाषा। पारितंत्र के दो घटक हैं। क्वेश्चन है, पारितंत्र के दो घटक हैं, तो दोस्तों ये दो घटक हैं जीवीय और अजीवीय। ऑप्शन भी सही है, पारितंत्र के दो घटक कौन से हैं? जीवीय तथा अजीवीय। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो ये है दोस्तों जल। जल क्या है? पारितंत्र का अजीवीय घटक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है, उत्पादक, इसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है, चलिए, खाद्य श्रृंखला बनती है। क्वेश्चन है आपके सामने, खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन कैसे बनती है? तो ये बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। ठीक है, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनती है खाद्य यानी कि फूड चेन। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सही आंसर है शाकाहारी। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, तो ये होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या है? सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है, राइट आंसर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं, राइट आंसर है प्राथमिक उत्पादकों की संख्या। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि को हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों अपरदन। अपरदन कहते हैं इसको, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, आंसर है वनों को उगाकर यानी कि पेड़ों को उगाकर। बाढ़ को रोका जा सकता है, क्वेश्चन है बाढ़ को रोका जा सकता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? नदियों पर बांध बनाकर या साथ में वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा में। कहां पर? सुंदरवन डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइजोफोरा। राइजोफोरा मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, तो इसको कहा जाता है लवणोद्भिद वनस्पति, लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियों एवं धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? न्यूनीकृत पत्तियों व धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुष्कोद्भिद के। शुष्कोद्भिद के। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि? मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। ठीक है, गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने से जड़ें गहराई में चली जाती हैं इस कारण से। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। किससे? ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां? क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां? सही आंसर है वर्षा पूरे वर्ष होती है, जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है वहां अधिपादप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्मेकोफिली, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो दोस्तों ये होता है चिंटियों के बीच में। किसमें? चिंटियों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है सागर। ठीक है, सागर सबसे बड़ा पारितंत्र है संसार का। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, सही आंसर है वनोरोपण करके। वनोरोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी को का मांस खाते हैं तब हम, बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, सही आंसर है द्वितीय उपभोक्ता हैं हम। ठीक है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बीपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सही आंसर है सूर्य से। किससे? सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, खाद श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? खाद श्रृंखला में किससे अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक जीव से दूसरे के, एक जीव से दूसरे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए चारों ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में पूछा गया। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? क्वेश्चन ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, करील का पौधा। करील का पौधा मरुद्भिद पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। क्वेश्चन स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की परीक्षा में पूछा गया है रेलवे में। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में इसको भी पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? आंसर है हरे पौधे। हरे पौधे ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 33.3%। मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैनग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। देखिए ध्यान रखिएगा, तीनों ही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। सही आंसर है यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पादपालय एक सुविधा है जिससे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। दोनों ही क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बनिक कृषि पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि। सही आंसर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं इसलिए। दोनों ही क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं ये। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। सही आंसर है जीरोफाइट। जो पौधा रेगिस्तान में पैदा होता है उसे कहते हैं जीरोफाइट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्री नेल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महासागर सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चन अभी तक हमने जितने पढ़े हैं सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी है। देखिए एसएससी में पूछे गए हैं दोनों ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाने और उनकी व्यवस्था करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। सही आंसर है रियो डी जेनेरो में। कहां पर है ये? ब्राजील में है। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर है देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलमंडल। देखिए दोस्तों, ये कैसा चैप्टर है जहां बच्चे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में कम पढ़ के जाते हैं इसके, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सब में लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया। और ये चैप्टर है आपका इकोलॉजी और सेकंड पार्ट है, आप इसको पूरा पढ़िएगा प्लेलिस्ट में जाकर, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए चारों क्वेश्चन यहां पर एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। सही आंसर है तालाब। तालाब एक कृत्रिम पारितंत्र होता है। वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। सही आंसर है इसका ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संकटापन, जो जातियां संकट की स्थिति में है उनके बारे में जानकारी देती है रेड डाटा बुक। इनमें से कौन सा एक जैव विविधता के लिए खतरा है।
सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वनों उन्मूलन, यानी कि वन का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। एसएससी में एग्जाम पूछा गया, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव गतिविधियां। मानव गतिविधियां प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख मुख्य कारक है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ये एक वर्णक है जो कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 59 सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गैंडा, हाथी के लिए, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 61 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है इसको। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वन कटाई के विरुद्ध, ठीक है, वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, क्वेश्चन है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय सोफ उत्पन्न करेगा, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 9.0 ppm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल हायासिंथ। जल हायासिंथ। 2008 से लेकर 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को कहा जाता है। 2008 से लेकर 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्यूटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको? क्यूटो प्रोटोकॉल। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, यानी कि पूछ रहा है किसकी कमी के कारण। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, स्वस्थाने। स्वस्थाने कहा जाता है इसको। अत्यधिक वनोन्मूलन
का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मृदा अपवर्तन। मृदा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार में तल जीव होते हैं। देखिए तीनों ही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक। उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यता संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यता संबंधित संगठन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, NEERI। NEERI। मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? देखिए दोस्तों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, क्या है ये? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोटोन। क्या कहलाता है दोस्तों? इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिक कारक है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लगता है, आप इन्हें पढ़िए, वीडियो को रोककर और इसका सही आंसर लगाइए। क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी तीनों ही कूट रिक्त कारक है। कैसे? क्लोरो फ्लोरोकार्बन, हेलाइंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ही पदार्थ ओजोन के रिक्त कारक हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? इन कूटों का आपको सही उत्तर चुनिए, वीडियो को रोकिए, इसका आंसर लगाइए। फिलहाल सही आंसर बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 3। तो ये है आपके पूर्वी हिमालय और तीसरा है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त कराने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। लेकिन बाकी के सही है ना, याद रखिएगा, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 के यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? क्वेश्चन है, किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल
चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन डी। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है यहां पर। जैव मंडल स्थल दिए हैं और इनकी स्थापना वर्ष दिए हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, यहां से एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन बना देता है। क्वेश्चन यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो चलिए मिलाते हैं, देखिये ए पर है आपका नीलगिरी जैव मंडल स्थल, तो ये इसको मिलाएंगे चार नंबर से, यानी कि इसकी स्थापना वर्ष है 1986। फिर है बी पर नंदा देवी, इसे मिलाएंगे तीन नंबर से, यानी कि 1988। फिर आपका सी पर सुंदरवन, इसे मिलाएंगे दो नंबर से, यानी कि 1989। फिर है कंचनजंगा, इसकी स्थापना वर्ष है वर्ष 2000। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। बाकी की याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, ये है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, मार्च 21, 1994। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन ये आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस।